नमस्कार, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो गाइस बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आया, मतलब थोड़ा शादी में उसमें हम लोग बिजी घूम रहे थे तो वीडियो नहीं आए, पर अब मगर अब वीडियोस आएंगे। और हम लोगों का एक जगह जाने का प्लान था, कार्तिक के वजह से लेट हो गया। सर्कस को जाने वाले थे हम लोग 20 इयर्स बैक पीछे का, मतलब बचपन में देखते थे कार्तिक। 20 इयर्स के बाद हैदराबाद में, 20 इयर्स के बाद में नहीं, 20 साल पहले जो करते थे सर्कस, वो सर्कस देखने जाने वाले थे। बहुत मस्त था गाइस सर्कस वो, मतलब हम लोग देखे नहीं, बस थोड़ा सा देखे। तो हम लोग सोचे चलो आप लोगों को भी दिखा दे, तो आप लोग भी बच्चों को लेके जाके दिखा देंगे। मगर हम लोगों का आज का प्लान कैंसिल हो गया। आज दूसरा प्लान है हमारा, हमारी महिला मंडली की जनरल सेक्रेटरी वीना सिंह जी है ना, तो उन्हों मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनका मेकअप देखने के लिए और करवाने के लिए हम लोग आज जा रहे हैं। तो आप लोग उनके पास मतलब सीख भी सकते हो, वो लोग मतलब उन्हों सिखाते भी है बहुत सारे लेडीज को, और उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, विजिट कर सकते हैं उनका, बहुत बोलता हूँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाँ, ट्रेनिंग भी आप लोग ले सकते। मतलब हम लोग शुरू करने वाले हैं ना हमारी महिला मंडली, तो एक एक जनी का एक एक काम रहेगा उसमें, तो जिसके पास जो काम सीखा हुआ है वो टैलेंट सब लोगों को दिखाएंगे और सब लोगों को सिखाएंगे भी वो। तो हम लोग सोचे चलो आज वीना जी का टैलेंट भी देख लेते हैं। वो मैं मतलब मैं बहुत जनी को देखी हूँ करे सो, मगर मैं खुद पे भी नहीं करवाई, एक बार रियल में देखी हूँ, आप लोग तो नहीं देखे, तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और 20-22 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उन लोगों से अपन मिलते हैं और जानकारी लेंगे और आपको मेकअप भी दिखाएंगे। तो आप लोगों को मेकअप पसंद आया नहीं आया तो भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो चलो अभी फिलहाल अपन तारा मती में जा रहे हैं, उनका तारा मती में सारा सेटअप करा हुआ है, तो हम लोग वहीं जाएंगे फिलहाल, थोड़ी बहुत रील्स भी बनाएंगे और आपको वीना जी से भी मिलाएंगे, मेकअप भी दिखाएंगे आपको। मैं हमारा कैमरा मैन कार्तिक और हमारे पति देव जी और ये रोड, चलो फिलहाल अभी चलते। तो गाइस देखो फाइनली अपन तारा मती के पास पहुंच गए, चलो अंदर भी आ गए, अब उनके रूम को चलते हैं। कार्तिक क्या हुआ, बुझा शादी करा दो, सुबह 4 बजे के पढ़ाना। अच्छा ठीक है, चलो चलो। चलो फिलहाल अंदर चलते, ऑलरेडी इनका मेकअप चल रहा है। गाइस देखो इधर सारा मेकअप की सेटिंग हो गई है सारे प्रोडक्ट्स की, और ये सारे ब्रांडिच है। और देखो ऑलरेडी इनका मेकअप हो चुका है। आपका नाम मा? मैं प्राची सोनी। प्राची सोनी, तो अच्छा लगा आपको? हाँ, भी मेकअप वीना जी का अच्छा है, बहुत साल से करा रहे हो और बहुत अच्छा। अच्छा कितने साल से करा रहे हैं आप? कई साल से करा रहे हैं, हम दोनों बहनों की शादी हो गई थी, रेडी हो गए। अच्छा है, तो हाँ परमानेंट ही है ना, अच्छा दिख रहा है ना गाइस, एकदम सिंपल, ज्यादा नहीं, प्रिटी है, इतना काफी है। तो चलो देख लिए ना आप लोग, सुन लिया, और वीना जी से भी कुछ पूछ लेते हैं कितने साल से। मैं ऑलरेडी बोली हूँ अपनी महिला मंडली के, अपने वीना सिंह जी जनरल सेक्रेटरी मेकअप आर्टिस्ट भी है और ट्रेनिंग भी देते हैं सबको, अगर आप लोगों को सीखना है तो सीख भी सकते बोल के। तो कुछ मेरा एक्सपीरियंस 23 इयर्स का है। 23 इयर्स का मेरा फिल्म इंडस्ट्री में भी आना जाना है। अच्छा, और ऐसे तो मेरे क्लाइंट्स इतने प्यारी बच्चियां हैं, क्या बताऊं, बहुत सारे हैं, सब लोग दीदी दीदी बोलकर बात करते हैं। और आप तो अब देख रहे हो रिजम, देख रहे हो तो ये ब्राइड ही है, अभी इसको नॉर्मल मेकअप ही चाहिए। और अपने पास HD मेकअप है, मैक प्रो है, मैक का है, 4 मास्क मिलानो है, और बॉबी ब्राउन है, और फॉरएवर 52 भी है। अच्छा, 4 मास्क मिलानो, सब ऑल प्रकार के आपको मेकअप्स मिल जाएंगे, और अपने पास एयर ब्रश मेकअप भी अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, और क्लासेस भी लेते हैं, जैसे कि एक ग्रुप तैयार हो जाएगा 10 मेंबर्स का, तो हम उसका क्लासेस। कितने महीने की ट्रेनिंग रहेंगी है? ये 1 वीक का रहेगा। 1 वीक में सीख जाते हैं? 1 वीक में सीख जाते। अच्छा, ओनली बेसिक्स क्या? नहीं नहीं, ओनली बेसिक्स नहीं, पूरा प्रोफेशनल। पूरा प्रोफेशनल, वन वीक। अच्छा, 1 वीक में सिखा देते हैं? ऐसा तो सिर्फ वर्किंग डेज वर्कशॉप बोल के ओपन होता है। अच्छा, तो फिर भी वो 4 दिन में सिखाते हैं, 1 वीक लेती हूँ।
अच्छा नहीं, बहुत सारे लड़कियां सीखने में थोड़ा पीछे हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे देते लेते हैं। मर भोजन या 2 महीने का 3 महीने का क्लासेस लेते ना, 40 days 45 days। सही बात है, लेकिन आजकल की लड़कियों को क्या है, मेकअप में बहुत ध्यान है, ध्यान है, वो लोग जल्दी सीख लेते हैं, और उनको क्या है एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इस चीज में, तो जिसको इंटरेस्ट है वो तो बहुत आगे भी निकल जा सकते, आगे भी निकल जा सकते हैं। अगर किसी को और सीखने का मन है तो साथ में मेरे साथ में चल के भी अपना करियर बना सकते हैं, और हेयर स्टाइल वगैरह भी सारा, हाँ सारा हेयर स्टाइल, ड्रेपिंग, बेसिक से लेके आपको प्रोफेशनल तक पूरा रहेगा, पूरा। अभी इनका भी होने वाला होगा हेयर स्टाइल, अभी इनका हेयर स्टाइल भी अपन देखेंगे, और अपने पास जो है सो क्या बोलते हैं अपना बल्क भी रहेगा, जैसे 20-25 लोग भी इवेंट्स जो रहते हैं ब्राइड्स के साथ में, मम्मी बहने सारे लोग, तो उस प्रकार भी अपन जो सो पूरा पैकेज भी बल्क में लिए तो पूरा पैकेज रहता, हाँ, पैकेज रहेगा। तो गाइस ब्राइड का अलग रहेगा और पैकेज में साइडर्स का और लोगों का अलग रहेगा। तो देखो ना गाइस, आप सीख भी सकते हो, भी एक ही हफ्ते में मेकअप करना सीख सकते हो। हेयर स्टाइल को कितने दिन लगते हैं, हेयर स्टाइल अगर सारे हेयर स्टाइल सीखना है तो? हेयर स्टाइल का 4 दिन का क्लास, 4 दिन का क्लास। अगर खाली हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं तो 4 दिन, अगर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए तो आपको आपके साथ लड़कियों को लाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हेयर स्टाइल के लिए लड़कियों को लाना पड़ेगा। तो देख रहे ना गाइस, मेन मेकअप में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं होना, कम से कम 15 साल 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होना। अपने वीना जी के पास तो 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। नहीं, मेन अपने को क्या होना, अपनी फेस ही अपनी सेफ्टी है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो एक और ये अपना वाटरप्रूफ मेकअप रहेगा। अच्छा, आप पूछो कब ये लोग, अभी देखिए अभी दोपहर में 2 बजे मेकअप करवा रहे हैं, अभी रात का फंक्शन है। अच्छा, रात का फंक्शन है आपका, और हमें पता है कि मेकअप कहीं कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है। मतलब थोड़े लोग क्या होता, बात करे तो ज्यादा बात भी नहीं कर सकते ना, कुछ ज्यादा मेकअप हो गया तो बात भी ज्यादा नहीं करते, मगर इन वही बात तो अच्छे से खुलकर कर रहे, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, बात खुलकर कर रहे बोल के भी नहीं लगेगा। हाँ, केकी लग रहा है, केकी नहीं लगेगा, और ये मेकअप आधे घंटे में अपने फेस में अब्सॉर्ब होगा, तो एकदम से और भी नेचुरल बेस हो जाएगा, नेचुरल बेस हो ये अभी हुआ है तो आपको थोड़ा गॉडी लग रहा है, ये ऑफर आवर के बाद में फेस में अब्सॉर्ब हो जाएगा तो और अच्छा दिखेगा, और अच्छा दिखेगा, ग्लोई फेस लगेगा। सभी से ये कहना चाह रही हूँ कि आप मेकअप करवा रहे हो, अमाउंट को मत देखिए, प्रोडक्ट्स को देखिए, काम को देखिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स गलत है, अगर आजकल क्या है मार्केट में नए मेंबर्स भी आ गए हैं, 1000-1500 में भी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कम क्वालिटी के रहते हैं और प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं, ठीक नहीं रहते, तो इसलिए क्या है अपने फेस को अपनों को अपने केयर करना पड़ता है, केयर करना जरूरी, प्रोडक्ट्स अच्छे रहे देखिए, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हो ना, और देखो इतना सिंपल सोबर मेकअप भी है ना, तो खुश देखे सो वाले भी खुश हो जाते, ज्यादा मेकअप भी नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल सिंपल सा है बोल के भी बोलते हैं। है अपनी वीना सिंह करके, अच्छा इंस्टा पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी आईडी है वीना सिंह। अच्छा अच्छा, तो गाइस देखे ना आप लोग, जल्दी से आप लोग कॉन्टेक्ट करो, मैं वीना सिंह जी का कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूंगी, तो आप लोग चेक करके कॉल करके भी आप लोग उनसे कहीं घर पर भी बुला सकते हो। अभी तो यहाँ पर तारामती में आके इन लोग कर रहे हैं पूरी फैमिली को, तो आप लोग घर पे देखो कार्ड भी है वीना जी का, चलो ये कार्ड ही मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेक करें एक बार, करा के तो देखिए, तो आप लोगों को भी पता चलेगा। कास्ट की सभी लड़कियाँ आके अपने पास घर पे करा के जाते हैं। हाँ देखो गाइस, घर पे भी करा सकते हैं आप लोग, अगर ज्यादा जेनी है तो काम भी बोले तो उनके घर पे भी जाके करते बोले हैं। तो उनके घर पे भी जाके करते हैं, अपना डोर सर्विस है। अच्छा, क्यों बोले तो उनके घर पे भी जगह नहीं रहती, बहुत कंडस्ट है, तो अपने घर पे बुलाकर अपन वहाँ पे भी मेकअप कर सकते हैं। मतलब आप घर पे भी कर सकते हैं या उनके घर पे भी कर सकते हैं। अपने कास्ट के तो 10-15 बच्चियाँ आके अपने पास एंगेजमेंट के सब करा के सगाई के करा के गए हैं, और वरमाला के लिए डिनर के लिए मैं खुद उनके पास जाके करके आते हैं। तो देख रहे हो ना गाइस, तो जल्दी से वीना सिंह जी को कांटेक्ट किया और एक बार मेकअप करा के देखिए। तो चलो अपन भी इनका हेयर स्टाइल भी देखते हैं, हेयर स्टाइल होने के बाद में आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। देखो मेरा स्टार्ट हो गया, ओनली अभी बेस है ये, और होने वाला है, मैं भी
सिंपल ही कर रहे ना मेकअप भी, सिंपल ही कर रहे हो। चलो पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखो मेरा हेयर स्टाइल भी बन गया है और मेकअप भी हो गया है सिंपल सोबर। तो कैसी लग रही हो मुझे कमेंट करके बताओ। बस आपको दिखाने के लिए थोड़ा बहुत मेकअप करवा ली हूँ मैं, ऐसे तो करवाती नहीं हूँ, यही फर्स्ट टाइम मैं मेकअप करवा रही हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और ये देखो शाम का भी उतारा मत इधर, मस्त लग रहा है ना। ये वाला किला जो है ना रानी का, हमारे पति देव जी मेरे को गिफ्ट कर रहे हैं 23 एनिवर्सरी को हमारे, नहीं ये कर रहे हैं ना गिफ्ट। और इनको सपोर्ट कौन है, सपोर्ट कौन दे, हमारे बड़े भैया है देखो नरेश भैया सपोर्ट कर रहे हैं, नरेश भैया सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी जागीर हमारे को लिखी थी, हम हमारी जागीर हमारे मिसेज को दे रहे हैं, ये जो भी हम लिख के देने वाले हैं। अच्छा और व्यू तो मस्त है गाइस, एकदम फर्स्ट टाइम है मगर व्यू तो एकदम जबरदस्त है। और थोड़ा घूम के दिखा देंगे आपको, मतलब कोई भी रात में तो नहीं आते यहाँ पर, दिन में 5 बजे के बाद क्लोज हो जाता। हम लोग स्पेशली रिक्वेस्ट करें, नरेश भैया रिक्वेस्ट करके हम आप फोटो उतरने के लिए परमिशन दिए, तो आप लोगों को नाइट का व्यू दिखा देते हम। तो गाइस देखो फाइनली हम लोग घर आ गए, घर आते कि पिज़्ज़ा पार्टी, गौतम ने पिज़्ज़ा मंगा के रखा था, मस्त तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं। और नोबिता को तो पहले ही चाहिए, उसको पहले, हम लोग को बाद में, चलो पिज़्ज़ा खाते, पिज़्ज़ा खाने के बाद मिलते। तो गाइस देखो मस्त तो पिज़्ज़ा खा लिए, मैं नोबिता को ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने की याद आते हैं, वो ज़्यादा नोबिता तो हम रील्स बना रहे थे ना, रील्स बोले तो एक बात याद आएगी, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो, मेरी इंस्टा आईडी है सारिका सिंह 05, मस्त मस्त आईडी रील्स बना हुई है वहाँ पर, फिटनेस चैनल के लिए कार्तिक को फॉलो करो, कर लो जल्दी फॉलो कर लो। ये देखो ये देखो डोले बन रहे, डोले बनते क्योंकि 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। बैगन। तो गाइस मैं कभी भी असल मेकअप कराई नहीं हूँ, असल कराई नहीं हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं जो भी लगा तू ना मेकअप नहीं, बस नॉर्मल पाउडर वगैरह खुद से क्या भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, उतना ही, इतना ज्यादा मेकअप में कभी नहीं कराई, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कभी नहीं, मतलब मैं वीना सिंह जी किसी को करे तो देखी थी मेकअप, मुझे अच्छा लगा, वही तो मैं सोच रहा था मम्मी किसके पास जा रहे हैं, मतलब मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके करवाने के लिए रेडी कैसे हो गए। तो मैं कभी किसके पास जाके नहीं बोल दे तू ना, मैं नहीं, मैं तो नहीं करवाऊंगी, आप लोग को करे तो वीडियो बनाऊंगी, मगर मेरे ऊपर तो मैं हमारा भी करवा दो तेरी शादी में, गौतु की शादी में, फंक्शन में कराएंगे, गौतु के फंक्शन में कराएंगे, मेकअप नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, वही तो असली मर्द कुछ यूज नहीं करते। अच्छा अच्छा देखेंगे ना आगे, देखेंगे ना, नहीं गौतम मैं कभी कुछ भी यूज करा फेस पे नहीं, अपन मैं कर दूं क्या कुछ भी यूज फेस पे, तुम पाउडर यूज करते हो, पाउडर वगैरह तो नॉर्मल ही है, उतना तो चलता, कार्तिक यूज करता हमारे घर में सबसे ज्यादा, वहां पे तो कार्तिक बॉडी करता, कार्तिक करता, मम्मी के चेहरे से जाके लाइट 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 लगाता ऊपर ऊपर से, क्या यूज करा है भाई, कार्तिक का तो है, कार्तिक का तो है, क्या बात कर रहा है, क्या लगा बोलने, कॉमेडी चल रही है, कोई मेकअप घर में नहीं करता, मैं बस थोड़ा बहुत ही, ज्यादा तो नहीं करता, आप लोग तो देखते हैं मैं ज्यादा मेकअप में कभी रही तो नहीं, फर्स्ट टाइम मेकअप है, फिर आप लोग कार्तिक के ऊपर कमेंट मत कीजिए कार्तिक मेकअप करता बोल के, शर्मारा कार्तिक शर्मारा, पहले शर्मारा, गौतम को बोल सकते हो आप क्यूट भाई, मेकअप नहीं यूज करता मगर घर में क्यूट है ना, लड्डू लड्डू लड्डू, ये तो गुड़िया है गुड़िया। और एक बात भी थी, राहुल भोजन या कंफ्यूज हो जा रहे, राहुल बड़ा है या गौतम बड़ा है, तो गाइस आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ मैं, वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो बहुत बड़ा, कहीं भी हर जने, मतलब हर जने परेशान हो जाते, अब नहीं कल को फिर सब लोग बोलेंगे कार्तिक बड़ा, कार्तिक बड़ा वैसे बोलेंगे मगर कार्तिक नहीं है, फर्स्ट गौतम, फिर राहुल, फिर कार्तिक, फिर जैक, फिर नोबू, जैक नोबू, फिर क्यूट बच्चे, रसगुल्ला, तू है रसगुल्ला, 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 लड्डू, दो दो नाम आ गए, लड्डू
क्या है वो? रसगुल्ला का, रसगुल्ला कार्तिक जलेबी भाई है, कार्तिक जलेबी भाई हमारे कॉमेडियन चलते रहेगी। तो राहुल कैसा लगा मेरा मेकअप? फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे को मेकअप में, तो कैसा लगा? अच्छा है ना? थैंक यू बोल दो वीना जी को, 10 out of 10। ठीक है, चलो थैंक यू वीना जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं और नेचुरल है मेकअप, ज्यादा भी नहीं है। हेयर स्टाइल भी अच्छा है माँ, हेयर स्टाइल में आप पल्लो निकाल के नहीं दिखा सकते, मगर हेयर स्टाइल भी बहुत मस्त बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं वहाँ पर मेकअप भी, हेयर स्टाइल भी पसंद आया मेरे को, ज्यादा हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया। तो गौतम भाई की शादी में बुलाना पड़ेगा कार्तिकेजमेंट में कराएंगे ना हेयर स्टाइल, पहले कार्तिक का करवाएंगे उसके बाद गौतम भैया का। गौतम तो शर्माता है ना ज्यादा, पहले ये क्या, ये तू जिम कर रहा है क्या? अच्छा एक्समैन है या नोबिता सर? ये नोबिता क्यों सर मारा है था? राहुल तेरे को कैसा लग रहा? अच्छा, बार बार पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा, कितने स्टार्स? अच्छा लगा, सिंपल नॉर्मल सा है, ज्यादा भी ओवर नहीं दिख रहा है। अच्छा सर, नॉर्मल बहुत मस्त है मालूम, मगर अभी ने बाद में दिखाता हूँ, हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा है। कितने के अंदर भी कुछ लगा? नहीं नहीं लगा, मेरी आंखें वैसी है ना गौतम, क्या लेंस लगाया समझ रहा क्या? बहुत लोग ऐसा ही सोचते, लेंस नहीं आगा इसमें, क्या नॉर्मल है इसे। आप कैसा कंफ्यूज है, राहुल बड़ा या गौतम बड़ा, ये भी कंफ्यूज रहता है। आँखों में कुछ लगा? रसगुल्ला यार, रसगुल्ला लड्डू, जलेबी जलेबी जलेबी। तो ऐसे तो हमारे कॉमेडी चलते रहेंगे और हमारे सब्सक्राइबर में बहुत सारे लोग मिले शादी में, इधर उधर फंक्शनों में, तो उनके फोटोज भी मैं फिलहाल अभी ये वीडियो में डालूंगी। फंक्शंस में बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं आए गाइस, 7-8 दिन हो गए वीडियोस नहीं आए। चलो अब से अब रेगुलर रहेंगे, अपन रेगुलर बोले तो डे बाई टू डेज को एक बार तो कंपलसरी डालेंगे। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।